The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hypervitaminosis A is also a very, very important concept, topic, jo aapko pata hona chahiye. Ek ye bimari hai, jisse agar रेटिनॉइड्स या विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में किसी भी कारण से, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बहुत ही ज़्यादा फिश मीट पोल्ट्री बहुत ज़्यादा खा लिया, या बहुत यदि बहुत ही ज़्यादा आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाई जा रहे हो तो विटामिन ए जमा हो सकता है, मीट डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा खा रहे हो तो भी एक चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनली कोई ना कोई सप्लीमेंट एडेड होता है तभी ऐसा होता है, राइट? क्योंकि विटामिन ए, वाइटामिन ए लिवर में स्टोर होता है तो इट कैन बिकम हाई, राइट? और इट इज वेरी रेयर कि आपकी विटामिन ए टॉक्सिसिटी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए रिच फूड से हो, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा, ये बहुत रेयर है, जहाँ में यूजुअली ज़्यादातर सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं, कोई ना कोई सप्लीमेंट या कोई ना कोई टैबलेट. सो ज़्यादा विटामिन ए आपको बीमार करेगा लार्ज डोजेस से, प्रेगनेंसी में आपके बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग बहुत क्विकली होता है, बहुत क्विकली मतलब मोस्ट ऑफन व्हेन एन एडल्ट टेक्स सेवरल 100,000 यूनिट्स राइट ऑफ विटामिन ए, तब ऐसा होता है, राइट? सो क्रोनिक हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इज़ वेरी लार्ज डोज, तो 25,000 का आप इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेंगे तो वो हाई हो जाएगा और उसमें आपको क्रोनिक विटामिन ए होगा. अगर उससे ज़्यादा 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे लेंगे तो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा. बच्चों में नुकसान हमने आपको बताया क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बच्चे बेबीज़ आर मोर सेंसिटिव, तो छोटे डोजेज में भी उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो होगा क्या, साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या, सिम्टम्स क्या होंगे? आपको होगा एब्डोमिनल सॉफ्टनिंग, आपकी एब्डोमिनल सॉफ्टनिंग मतलब एब्डोमिन पेन हो सकता है पेट में आपको, इवन बोन्स में बच्चों में देखा गया है एबनॉर्मल स्कल बोन सॉफ्टनिंग होती है, मतलब दिमाग में हड्डियां है जो स्कल बोन है ब्रेन की वो सॉफ्ट हो सकती है, एबनॉर्मल सॉफ्ट, विजन ब्लर हो सकता है इतनी ज़्यादा विटामिन ए है, बोन पेन हो सकता है, बोन में स्वेलिंग हो सकती है, आपके बोन के हड्डियों के पार्ट में सूजन आ सकती है, आपको भूख कम लग सकती है, बच्चों को भी आपको भी चक्कर आ सकते हैं, विजन डबल डबल दो दिख सकता है, ड्राउजीनेस, बेहोशी, हेयर के कलर हल, हेयर में चेंज, हेयर मतलब हेयर में हेयर लॉस हो सकता है, ऑयली हेयर ज़्यादा हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, जैसा मैंने कहा लिवर डैमेज हो सकता है, नौजिया, पेट में गड़बड़ी ऑलरेडी, और वेट गेन पुअर हो जाएगा, यानी बच्चों का भी बड़ों का भी वजन जो है सही से नहीं बढ़ेगा. स्किन चेंजेस क्या आएंगे, आपके माउथ के कॉर्नर्स, माउथ के कॉर्नर्स में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, और जितना जैसे आप सन में जाएंगे धूप की सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑयली स्किन, स्किन ऑयली हो जाएगी, आपकी पीलिंग इचिंग आ सकती है, येलो कलर्स हो सकता है, येलो कलर आ सकता है स्किन का, और विजन चेंजेस हमने ऑलरेडी बताया, वॉमिटिंग हमने ऑलरेडी बताया, तो ये सब चीज़ें होंगी. तो स्किन को थोड़ा एसेस कर सकते हैं आप, अगर स्किन आपकी ज़्यादा ऑयली है तो आपके अंदर विटामिन ए थोड़ा ज़्यादा है, सन से सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो विटामिन ए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ वन आइडिया. पर क्या इसके कोई टेस्ट हैं? जी हाँ, देखिए विटामिन ए लेवल्स का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट टू चेक विटामिन ए लेवल्स, साथ ही वाइट अदर्स दूसरे विटामिन के लेवल्स होते हैं, साथ ही हम बोन का एक्सरे करके देख सकते हैं बोन कितनी वीक क्यों है, कैल्शियम टेस्ट कर सकते हैं और कोई कारण तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल या लिवर फंक्शन भी करके देख सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो ट्रीटमेंट क्या होगा अगर हाइपर विटामिनोसिस ए, विटामिन ए अति मात्रा में हो गया? बस विटामिन ए के सप्लीमेंट्स रोक दो, जो भी आप विटामिन ए के सप्लीमेंट ले रहे हो, या मान लीजिए कोई विटामिन ए रिच फूड खा रहे हो थोड़े दिन के लिए, वो भी रोक दो, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है, मोस्ट ज़्यादातर लोग कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए से. लेकिन प्रेगनेंसी में दिक्कत है, प्रेगनेंसी में बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते. तो प्रेगनेंसी में विटामिन ए से दूर रहना है, लेकिन विटामिन ए फूड में है तो वो खा सकते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट से दूर रहना है प्रेगनेंसी के दौरान, इम्पॉर्टेंट, राइट? और
याद रखिए, इसमें बच्चे में दिक्कत लिवर में, किडनी में और कैल्शियम लेवल ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या करें कि विटामिन ए के लेवल्स जो हमने बताए हैं आपको पिछले वीडियो में, उतने ही ले। डेली रिकमेंडेशन के हिसाब से बीटा कैरोटीन फ्रूट्स और नेचुरल चीजों से ले। विटामिन ए जैसे एम्फेसिस उस हिसाब से करें। अननेचुरल सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से जरूर डिस्कस करें। राइट, तो ये डिस्कस, ये हुआ छोटा सा पार्ट हाइपर विटामिनोसिस ए का। प्रेगनेंसी में खास ध्यान रखें, बाकी चीजों के लिए जितनी डार्क कलर की वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, वो बहुत रिच होती हैं विटामिन ए, बीटा कैरोटीन्स में, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। राइट, यू विल बी वेरी वेरी यंग इफ यू हैव सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, थैंक्स।